हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ कपड़े लिए हैं फ्रेंड, जो हमारे सूट जब हम सिले थे उसके कुछ कपड़े बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम सूट और पैजामे के कपड़े लिए हैं। आज हम इस कपड़े से बनाने वाले हैं रोटी कवर फ्रेंड। जो इस तरीके के जो रोटी कवर होते हैं हम लोग मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, वो भी काफ़ी महंगे से महंगे दामों में मिलते हैं। तो आप इस तरीके के जो रोटी कवर होते हैं उसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। 5 मिनट में आप इस तरीके के रोटी कवर है जो बना सकती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम यूजफुल वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ जो हमने सूट सिले थे फ्रेंड, उसके ये कपड़े कुछ बचे हुए हैं तो हम उस कपड़े को ले लिए हैं। आपको करना क्या है कि आपको जो प्योर कॉटन के कपड़े होते हैं उस कपड़े को आपको लेना है। अब जितनी बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आपको क्या करना है, प्लेट ले लेना है। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के बना रहे हैं, तो हमें मीडियम साइज़ के यहाँ पे देखिए प्लेट रख ले लिए हैं। अब इस तरीके से प्लेट रख कर हमें क्या करना है, निशान लगा देना है। तो आप पेन से या तो चौक से आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से हम निशान लगाए हैं उस निशान पर हमें क्या करना है, इसे कटिंग कर देना है। तो हमें गोलाई देते हुए इसे क्या करना है, कट कर लेना है। तो फटाफट पहले इसको क्या करते हैं, फिर हम इसे काट लेते हैं। बिल्कुल हमें राउंड शेप में ही कट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से एक पीस कट किए हैं। अब सेम हमें इसी तरीके के क्या करना है, इसे हमें दूसरे पीस को हम कट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट कट गया फिर उसे आपको अच्छी तरीके से गोल कर देना है। उसके बाद हम जो ये पीस कट किए हैं उसे हम इस तरीके से रख देंगे, और फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे पीस को कट करेंगे। तो हमें करना क्या है इनकी सेम इसी तरीके के क्या करना है, हमें 4 पीस को कट करना है। तो आपको 2 कलर के यहाँ पे कपड़े चाहिए, तो आप चाहे तो 1 कलर के भी कपड़े ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कलर के कपड़े का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए 2 पीस को इस तरीके से हम यहाँ पे पहले कट कर लिए हैं, और 2 पीस हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस जो पैजामे वाले कपड़े हैं उसे हम कट करेंगे। अब हम लेंगे फोम सीट, और फोम सीट को हमें क्या करना है, 2 पीस में फोम सीट को भी हमें कट करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमें 6 पीस कट किए हैं। 2 पीस हमने यहाँ पे सूट वाले कपड़े को कट किए हैं, 2 हमने यहाँ पे फोम सीट को हम कट किए हैं, और 2 हम यहाँ पे जो पैजामे के कपड़े थे उसे हमने कट किए हैं। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, 6 पीस को आपको कट करना है। आपको सिलना कैसे फ्रेंड, चलिए हम पहले 1 पीस को आपको दिखा देते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे में आपको जो कपड़ा रखना चाहते हैं उसे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको नीचे की साइड में आपको उल्टा रखना है, और बीच में आपको क्या करना है, कपड़े को सीधा रखना है। तो हम ये वाला कपड़े को देखिए अंदर की साइड देंगे, तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, हम नीचे की साइड हम इस तरीके से सूट के कपड़े रखें, और ऊपर की साइड हम फोम सीट रखें, और नीचे में पैजामे वाले कपड़े रखें। तो पैजामे वाले जो कपड़े होते हैं अंदर की साइड हमने क्या किए, सीधा करके रखे, और बाहर से हम उल्टा करके रखना है। तो आपको इस तरीके से तीनों कपड़े को बराबर करते हुए आपको क्या करना है, सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते समय आपको एक बात का ध्यान देना है फ्रेंड, कि कई बार होते हैं कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो क्या होते हैं, कपड़े होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं, चुनर टाइप पे हो जाते हैं। तो आपको सिलाई बिल्कुल बराबर शेप में लगाना है। तो आपको गुलाई में जिस तरीके से आपको कट किए हैं उसी तरीके से आपको क्या करना है, सिलाई लगाना है। तो पहले हम सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड। हमने यहाँ पर देखिए सिलाई कर ली है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, खुला रखना है। हमने चारों तरफ से हम सिलाई लगा दी है, थोड़ा सा देखिए हमने यहाँ पर 1 से 2 इंच करीब हम यहाँ पे खुला रखे हैं। खुला इसलिए रखे हैं फ्रेंड, कमी से क्या करेंगे, हम पलटेंगे। तो पलटते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप अच्छी तरीके से पलटिएगा। कई बार होता है कि जब अच्छे से कपड़े पलटते नहीं हैं तो बीच में कपड़े देखते होंगे जहाँ तहाँ क्या होते हैं, ये मुड़े हुए रह जाते हैं। तो आपको अच्छे से कपड़े को क्या करना है, पहले पलट लेना है। तो नीचे की साइड हमने जो 2 लेयर कपड़े रखे थे और हमने ऊपर की साइड फोम सीट रखे थे, लेकिन पलटने के बाद होता ही है फ्रेंड कि देखिए इस तरीके से दोनों साइड जो होते हैं ऊपर और नीचे अलग अलग कपड़े हो जाते हैं, और बीच में देखिए फोम सीट है जो चला जाता है। तो सेम आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको सेम सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए जो हमने खुला हुआ भाग रखे थे वहाँ पर आपको क्या करना है, जितने अपने अंदर की साइड से कपड़े को फोल्ड किए थे तो दोनों कपड़े को आपको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, या तो मशीन पर आपको क्या करना है, सिलाई कर देनी है। तो मशीन पर हम यहाँ पर देखिए सिल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको पहले बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा फैमिली है नहीं, तो छोटे फैमिली है, तो इसलिए हम देखिए ये मीडियम साइज़ के ही बनाए। अब चारों तरफ से हम कपड़े को अच्छी तरीके से सीट कर लिए हैं, और सेम हमें इसी साइज़ के हमें क्या करना है, दूसरे पीस को भी हमें बना लेना है।
तो दोनों पीस को देखिए हमने इस तरीके से बना लिए हैं। और हमने यहाँ पे दोनों साइड से क्या किए हैं, कॉटन के कपड़े डाले हैं, बीच में हम फोम शीट डाले हैं, तो ये काफ़ी मोटे हो गए हैं। और फोम शीट डालने से होता है ये फ्रेंड कि इससे जो रोटियाँ देखते हैं क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो वो वाला समस्या भी इससे क्या होता है, दूर हो जाता है। अब आपको करना है क्या फ्रेंड कि दोनों पीस को इस तरीके से रख लीजिए। अब बराबर करके आपको इस तरीके से आपको निशान लगाना है। इस तरीके से करने से होते हैं कि बीच में एक निशान लग जाते हैं। अब हमें क्या करना है, आप चाहे तो इससे थोड़ा सा कम भी आपको खुला रख सकते हैं या तो बराबर से आप खुला रख सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि एक तरफ से हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो आधा देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे क्या किए, आधा ही हम सिलाई लगाएंगे और आधा में हमें क्या करना है, खुला में छोड़ देना है। और अगर आप इसमें पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी लगा दीजिएगा। पाइपिंग लगाने से होता ही है कि जब हम इसमें पाइपिंग लगाते हैं तो देखने में एक और ज़्यादा ये खूब सुंदर लगते हैं। तो हम पहले आधा में देखिए इस तरीके से पहले हम सिलाई लगाकर आप लोग को हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमने दोनों साइड से सिल लिए हैं और ऊपर की साइड में आधा से थोड़ा सा हम कम यहाँ पे खुला रखे हैं, क्योंकि आधा खुला रखने से होता है कि थोड़ा सा खुला हुआ भाग ज़्यादा दिखता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कम है जो सिलाई लगाएं, तो आधा से हम ज़्यादा थोड़ा सा सिलाई ज़्यादा लगा दिए। और इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। अब आपको करना है क्या है कि छोटे छोटे जो आपने सिलाई लगाए हैं आधा इंच छोड़ के, वहाँ पर आपको इस तरीके से कट कर देना है। जब हम चारों तरफ से इस तरीके से छोटे छोटे कट कर देते हैं, जब हम इसे पलटते हैं तो पलटने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है। हमारे जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल मुड़ते नहीं हैं और बहुत आसानी से पलट जाते हैं। अब हम अच्छी तरीके से देखिए इसको पलट लिए हैं और हम इसे बराबर से क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से कपड़े को हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गए। अब आप इसमें चाहें तो और खूब सुंदर बनाना चाहते हैं तो पाइपिंग चारों तरफ से लगा दीजिए, तो और ये खूब सुंदर बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हम पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हाथ का मशीन है वो अच्छे से सिलाई भी नहीं ले रही है, तो यहाँ पर हम पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं। अब आपको इस तरीके से बना लेना है। आप इसमें आप जितनी रोटियाँ रखना चाहते हैं, देखिए इस तरीके से आप बहुत आसानी से रोटियाँ रख सकती हैं। इससे होता है कि जब हम रोटी रखते हैं, खास करके किसी भी बर्तन में रखते हैं या तो हम कैसरोल में रखते हैं, तो होता है कि नीचे की साइड जो रोटियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, अंदर से गीले हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गीले भी नहीं होंगे और आपकी रोटी है जो हमेशा के लिए गर्म रहेंगे, क्योंकि जो हमने फोम शीट डाले हैं इसके वजह से हमारा रोटी है जो बहुत लंबे समय तक गर्म भी रहेगा और ना ही आपकी रोटी है जो गीली होंगी। तो आप इस तरीके से बनाइए और इसमें ढेर सारे रोटी हैं जो बहुत आसानी से इसमें रख सकते हैं और ये बिल्कुल 5 मिनट में बन भी जाता है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर जो आप इसमें रोटियां हैं जो रख सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो हमेशा की तरह एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।